तो चलिए आज बनाते हैं दिल्ली के मशहूर गर्मा गर्म राम लड्डू। मैं ट्रेडिशनल तरीके से राम लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और जो इसकी चटनी है वो भी एक खास इंग्रेडिएंट डाल के बनाई जाती है। राम लड्डू की चटनी थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो ये मूली, इसके ऊपर ग्रेटेड मूली डाली गई है, इसको भी ग्रेट करने का एक तरीका है। तो आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए फ्रेंड, स्किप करके मत देखिए, आप घर पर ही बिल्कुल मार्केट जैसे राम लड्डू बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपी है वो दिल्ली के मशहूर राम लड्डू की रेसिपी मैं लेके आई हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप कभी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो ठेलों में बहुत ढेरी सी लगा के गोल गोल छोटे छोटे से पकौड़े जो बनते हैं देखे होंगे आप लोगों ने, आज मैं वही रेसिपी लेके आई हूँ। कभी कुछ स्नैक्स चटपटा खाने का मन करता है तो आप उस टाइम पे ये बना सकते हैं, और बहुत आसान है। तो ये मैं ओरिजिनल तरीके से रेसिपी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो पहले भी आई हुई है मेरे से पहले राम लड्डुओं की, लेकिन किसी को भी सही तरीका नहीं पता, सबने अपने अलग अलग तरीके इसमें बताए हुए हैं, लेकिन इसका एक ओरिजिनल तरीका है। मैं उस तरीके से ही, ट्रेडिशनल तरीके से ही राम लड्डू की रेसिपी बनाऊंगी, बहुत आसान है। और इसकी जो एक चटनी बनती है हरी चटनी, वो भी एक खास तरीके से ही बनाई जाती है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, और अब जब भी आपका मन करता है आप ये रेसिपी देख के बना सकते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे गीतिका जायकेदार कुमाऊनी रसोई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, हल्का फुल्का स्नैक्स बनाते हैं राम लड्डू। तो राम लड्डू का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ डालने से राम लड्डू बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये 100 ग्राम मूंग दाल ली है, धुली मूंग दाल है, ये आराम से मिल जाती है, और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चना दाल। तो यहाँ पे इस चना दाल 2 चम्मच मिलाना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रेडिशनल तरीका। इन दोनों को हम अच्छे से धो के भिगो लेते हैं। आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिए, मैं आपको चटनी का भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी और मूली कैसे ग्रेट करनी है इसके लिए मैं वो भी बताऊंगी। तो इनको हम भिगो देते हैं। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं ये दाल को भिगाने के लिए जो मैंने रखा था, आप इसको रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं भीगने के लिए। और ये अच्छे से भीग चुकी है, और इसका मैंने सारा पानी छान लिया है। इसको जब हम ग्राइंड करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको अभी मिक्सी में डाल के इसको पीसते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि इसको हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, एकदम सूखा ही हम इसको पीसेंगे। और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हैं। मैं दाल डाल दी है ग्राइंडर में, और मैं इसमें अभी 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे खुशबू अच्छी आती है इसलिए मैं डाल रही हूँ। और मैं इसको अब ग्राइंड कर लेती हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं दाल की कंसिस्टेंसी, परफेक्ट है। हमें इसको ज़्यादा महीन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि इसको हमें एकदम फाइन बैटर नहीं बनाना है, इसमें हल्का सा दरदरा होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, अगर आपको लगता है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं पानी। अब मैं इस बैटर को निकाल लेती हूँ। तो मैंने अभी इसको एक बैटर को निकाल लिया है एक बर्तन में। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी इस तरीके से है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। और अभी मैं यहाँ पे 1 पिंच हींग डालूंगी। और अभी यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है। ये बहुत मेन स्टेप है राम लड्डू बनाने का, क्योंकि जितने अच्छे से हम इसको फेंटेंगे उतने ही अच्छे सॉफ्ट हमारे राम लड्डू बनके तैयार होंगे। तो ये सबसे मेन स्टेप है इसका। और आप चाहें तो इस विस्कल की सहायता से फेंट सकते हैं, आप चम्मच से फेंट सकते हैं, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उससे फेंटिए। और ध्यान रखिए कि इसको हमें एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू फेंटना है, हमें इसके अंदर एयर डालनी है ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए थोड़ा, इसे हमें फ्लफ़ी बनाना है। और ये बहुत मेन स्टेप है। थोड़ा फ्रेंड आप लोगों के हाथ में दर्द भी हो सकता है, तो 2-3 मिनट रुक के फिर इसको कंटिन्यू स्टेयर करिए एक ही डायरेक्शन में, ये ध्यान रखिए। तो इसमें हमें एयर डालनी है, जितनी ज़्यादा एयर डाल सकते हैं। तो उसे फेंट लेते हैं अच्छे से। देखिए 6-7 मिनट हो गए हैं, इसको एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू फेंटना है। देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है, ये बिल्कुल फ्लफ़ी, और इसमें बहुत हवा भर गई है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन पे तेल रख दिया है, ये गरम हो रहा है, तो अब हम इसको तलना स्टार्ट करते हैं। तो तलने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम हाथ को डीप करेंगे पानी वाले बर्तन में,
और इसमें से बैटर लेंगे थोड़ा सा, और इसके ऐसे गोल गोल लड्डू जैसे बना के इसको हम इसमें छोड़ते जाएंगे, इस तरीके से ऐसे लेंगे और इसको डालते जाएंगे। ये देखिए, एक बार में कढ़ाई में जितने आते हैं उतने हम डाल देंगे। फ्लेम अभी मैंने एकदम लो रखी है, लो फ्लेम पे हम इसको तलेंगे। अभी इसे हम हिलाएंगे नहीं। तो अब हम इसको स्टेयर करेंगे, ऐसे हल्के हाथों से हमें इनको स्टेयर करना है, हल्का हल्का तेल इनके ऊपर डालते हुए, और तेल को हम लोग हिलाएंगे ताकि ये इक्वली सब साइड से पक जाएं। तो गोल गोल घुमाते हुए हमें इसे इस तरीके से पकाना है, इनको टच नहीं करना है पकौड़ों को। ये देखिए, ये हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, इतना ही हमको इसको तलना है। तो इसे हम ऐसे थोड़ी देर साइड में करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और मैं इसको अभी निकाल देती हूँ। और ऐसे ही मैं अभी इसका दूसरा बैच भी तल देती हूँ। इसका सेकंड बैच भी हम लोग तल देंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले तले थे। धीरे धीरे से इसमें हम लोगों को ये डालना है बैटर, और उसको एकदम से टच नहीं करना है, एक दो सेकंड के बाद हम इसको हिलाएंगे। तो मैंने इस वीडियो के लास्ट में राम लड्डू की चटनी की भी रेसिपी शेयर करी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनती है। और मूली ग्रेट करने का भी मैंने इसमें तरीका बताया है, अगर हमें लच्छेदार मूली चाहिए, जैसे हम मार्केट में खाते हैं पकौड़ों के ऊपर लच्छेदार मूली डाली होती है, तो उसका क्या तरीका है, वो कैसे ग्रेट करनी है, वो भी मैंने इस वीडियो पर शेयर किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से भी। तो मैं इसको तल लेती हूँ। दूसरा बैच भी मेरा फ्राई हो चुका है, इनको भी मैं निकाल देती हूँ। अब मैं इसको सर्व करके इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो प्लेटिंग करने से पहले हमें मूली ग्रेट करनी है, तो ग्रेटर को हम हल्का सा टेढ़ा रखेंगे, इसको हल्का सा झुका देंगे नीचे को, और उसके बाद हम इस मूली को सीधा ऊपर से लेके नीचे स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे, ऊपर से सीधा नीचे, ना कि हमें ऐसे नहीं करना है सेंटर से, ऊपर से नीचे हमें ऐसे प्रेस करते हुए लाना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मूली होगी वो एकदम लंबी लंबी करके ग्रेट होगी, देखिए ऐसे लच्छे में निकलेगी ये, क्योंकि जो हम राम लड्डू के ऊपर मूली डालते हैं तो वो एकदम लंबे लच्छेदार ग्रेटेड मूली होती है। तो वो तरीका ये रहा, उसको हम इस तरीके से ग्रेट करेंगे तो हमें इस प्रकार से मिलेगी। और अगर हमको पहले से इसे ग्रेट करके रखना है तो आप एक काम करिए, इसको आप ग्रेट करके तुरंत ठंडे पानी में डाल के आप फ्रिज में रख दीजिए, जब आप राम लड्डू आपके तैयार होते हैं तो उसके बाद आप ये मूली को सर्व कर सकते हैं। इससे क्या होती है कि जो ये मूली है ये बहुत क्रिस्पी और बहुत फ्रेश लगती है खाते टाइम, तो उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं सारा ग्रेट कर लेती हूँ ऐसे ही। तो अब हम लोग राम लड्डू के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बंच धनिया लिया है, मेरा धनिया बहुत सॉफ्ट है इसलिए मैं पूरा धनिया डाल रही हूँ, अगर आपका धनिया में डंडे जो इसकी है वो थोड़ा सख्त हार्ड है तो आप उसको हटा सकते हैं और पत्ते पत्ते डाल सकते हैं, तो मेरा ये सॉफ्ट है इसलिए मैं पूरा एक बंच धनिया डाल रही हूँ। और ये है राम लड्डू की चटनी का स्पेशल इन्ग्रीडियंट जो है मूली के पत्ते, तो ये मूली के पत्ते के बिना राम लड्डू की चटनी अधूरी है। जब तक आप इस चटनी में मूली के पत्ते नहीं डालेंगे तो वो जो बार के ठेलों वाला जो टेस्ट है चटनी का वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 मूली के पत्ते लिए हैं, तो यहाँ पे मैं ये डाल दूँगी, ये डालना बहुत ज़रूरी है इस चटनी के लिए। और अब मैं यहाँ पर 1 इंच अदरक कट करके डाल दूँगी, और ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 चम्मच जीरा। और अब मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी, और अब मैं यहाँ पे 2 मैंने नींबू का रस निकाल लिया था तो यहाँ पे मैं नींबू का रस डालूँगी। खट्टा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा खट्टा आप खाते हैं। और अब मैं यहाँ पे 3 से 4 लहसुन डालूंगी, ये लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना इसके बिना भी चटनी बन जाती है। मेरे को थोड़ा सा चटनी में गार्लिक की स्मेल अच्छी लगती है तो इसलिए मैं यहाँ पर गार्लिक डाल रही हूँ। और अब मैं इन सबको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं चटनी की कंसिस्टेंसी।
तो ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ चटनी की। इतनी ही थिक इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे चटनी की, ज्यादा पतली नहीं करेंगे, तो इतनी ही चाहिए हम लोगों को। कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अभी मैं इसको खाली कर देती हूँ एक बाउल में, चटनी तैयार है और उसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए चटनी तैयार हो गई है, अब हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं राम लड्डू की। गर्मा गर्म दिल्ली के मशहूर राम लड्डू आज मैंने बनाए हैं इवनिंग स्नैक्स, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत आसान तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से मैंने ये राम लड्डू बनाए हैं, जैसे ओरिजिनल राम लड्डू ठेले वाले बनाते हैं, तो ये वही तरीका था। अब मैं इसके ऊपर से ग्रीन चटनी डाल देती हूँ। चटनी की भी आपने रेसिपी देखी है, बहुत डिफरेंट और बहुत अलग तरीके से राम लड्डू की चटनी बनाई जाती है, तो मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ही कोशिश करा है राम लड्डू बनाने का और चटनी को, और बहुत टेस्टी चटनी बनती है। थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है इसमें मूली के पत्ते डालने से। तो देखिए ये बनके तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चटनी में से भी। अब मैं इसमें ये ग्रेटेड मूली डाल देती हूँ। देखिए कितनी फ्रेश लग रही है मूली और एकदम लच्छेदार मूली बन ग्रेट हुई है ये, तो इसका भी एक अलग तरीका है मूली ग्रेट करने का भी, तो आप लोगों ने जैसा देखा होगा वीडियो में। तो अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल दूंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए दिल्ली के मशहूर राम लड्डू बनके तैयार हैं। तो और इसमें मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं करी है, जैसे आपको मैंने ये स्टार्टिंग से वीडियो दिखाई है वैसे ही मैंने इसको बनाया है। इसकी चटनी की भी वीडियो मैंने शेयर करी है, आप बना सकते हैं, वो भी मैंने एकदम ओरिजिनल तरीके से ही चटनी की बनाई है। तो ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत मन कर रहा है, मैं गर्मा गर्म इसको खाने जा रही हूँ, ये ठंडे हो रहे। आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जब भी आपका मन करता है आप ये ओरिजिनल राम लड्डू बनाइए, दिल्ली के मशहूर है, यहाँ आपको हर गली में हर ठेले में ये जरूर दिखाई देंगे, तो आप ट्राई करिए। और मैं जा रही हूँ खाने के लिए, और हाँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।